सलाम दोस्तों, मैं अल्ताफ बेग आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये मेरा वो टैडी का जोड़ा है जो मैंने 30 मार्च 2020 को आपको मैंने ये जोड़ा दिखाया था। उस वक्त ये दोनों भी जो डैडी के पट्ठे हैं ये 5वीं कली पे थे, अभी ये 8वीं या 9वीं कली पे है। तो आप देखिए, ये फीमेल है, कितना फ़र्क आ गया इनमें। 3-4 कली झाड़ने पर इनकी आंखें देखिए आप, कितनी क्लैरिटी आ गई आंखों में। आंखें ये और साफ करेंगे क्योंकि अभी इनकी 2 कली और बची है। ये फीमेल है, इसकी आप आंख देखिए, ये थोड़ी गोल्डन टिंटेड है, इसकी गर्दन थोड़े गोल्डन कलर में आई है। इनमें कलर डिफरेंस हो जाता है। अभी आप इसका पर देखिए, ये 9वीं कली झाड़ेगी अभी, 8 कली इसकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके पंजे देखिए, मैं आप लोगों को यही समझा रहा था कि ये कबूतर 10 पर साफ करने पर ही पता चलता है। अभी ये नर का शौक करिए, ये नर में कितने चेंजेस आ गए देखिए आप, वो वीडियो देख लेना 30 मार्च की। और अब ये देखिए, उसमें इसकी आँख देखना, और अभी जो इसकी आँख है ये अभी और साफ करेगा। काफ़ी अच्छी आँख है इसकी, नुक्ता जो है वो चोंच की तरफ झुका हुआ है उसका, इसकी आँख का तिल जो है वो चोंच की तरफ झुक रहा है, एक अच्छी निशानी है। आप देख सकते हो उसके जो नुक्ता है, जो तिल है वो चोंच की तरफ झुका हुआ है, ये एक अच्छी निशानी है। और इसकी भी आँख और साफ होगी। आप देखिए इसका चेहरा मोरा। इनको मैं सेल करूँगा, लेकिन अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, तो ये सब क्लियर हो जाए उसके बाद में फिर से मैं एक इनकी पर्सनल वीडियो। देखो ये 8वीं कली लेके आ रहा है, 8वीं कली ला रहा है, मतलब अभी भी इसको 1-1.5 महीना लगेगा 10 पर साफ करने में। और इसका कुंदा देखिए दोस्तों, इसका बाजू 1 नंबर पर है इसका यार। इसके बगल के पर देखिए, बहुत कम कबूतरों के पर ऐसे होते हैं, एकदम स्ट्रेट। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा क्योंकि मैं भी ये सब चीज़ें, पंजे देखिए इसके, मैं भी ये जब कबूतर मैं अक्सर पकड़ता नहीं हूँ, वीडियो बनाते वक्त ही पकड़ता। देखिए एक लाइन में है, पर काफ़ी भरा हुआ बाजू है इसका, जो बाजू के पर है मतलब बगल के पर काफ़ी भरे हुए, एक अच्छी निशानी है। अगर बगल के पर अच्छे हो, बड़े हो, तो कबूतर की वापसी पक्की है। वो कितना भी उड़ेगा, थक भी जाएगा तो वो घर ही बैठेगा, क्योंकि उतरने में
बगल के पर काफ़ी काम आते हैं, काफ़ी अहमियत रखते हैं। कबूतरों के बगल के पर उसकी वापसी में काफ़ी अहमियत रखते हैं। ये बड़े बड़े उस्ताद जानते हैं ये बात को। ये नर है और आपको स्टैंडिंग में भी बगल के पर अगर अच्छे है तो पता चलता है। देखो उठे हुए पर जब कबूतर सीधा खड़ा होता है तो उसके पर थोड़े उड़ जाते हैं, नर का आप देख सकते हो, आपको वो थोड़े उठे हुए दिखेंगे पीठ की तरफ। ये फीमेल है, अब ये और गर्दन का रंग पक्का करेंगे, आँख साफ करेंगे। तो जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों। Thank you for watching the video.